तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, सेट ए और बी का सॉल्यूशन मेरे द्वारा पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिनकी लिंक प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग यहाँ से चारों सेटों को अच्छे से जरूर देख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको सेट सी का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख जरूर जाए, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का गणित विषय का सेट डी सी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे सेट सी का पूरा सॉल्यूशन। यहां पर आपको प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर एक से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी के उत्तर आपको यहां से मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग यहां से इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं। तो देखिएगा आपका टोटली जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का आपका गणित विषय का सेट सी किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों टोटली यहाँ से आप लोग देख ले, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क प्यारे विद्यार्थियों आपका 75 नंबर का ये पेपर होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये इस प्रकार के निर्देश देखने को मिल जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों टोटली जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको प्यारे विद्यार्थियों कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहां से इसको देख लें। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां पर जो दिया गया है। देखिएगा 64 सही 1/2 का मान है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका मान क्या होगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लें, ये होगा 8। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुपद है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा डी नंबर का, ये वाला आप लोग यहाँ से नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, -4 -4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ से देख लें, इसका उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों आपका ये वाला, आप लोग देख लें ये 3 चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण x-2y = 4 हल है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप लोग यहाँ से देख लें, तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ से देखें, तो चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आएगा, आप लोग यहाँ से देख लें, ये चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो पांचवे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है कहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका पांचवे का हो जाएगा, आपका ए वाला समकोण पर। उसके बाद में अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका भी उत्तर आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक जरूर देख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को सभी के सभी ये रिक्त स्थान अच्छे से समझ में आ सके। पहला रिक्त स्थान देखते हैं, क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां से आप लोगों को लिख लेना अनंत, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, बहुपद x³-x² + 1 में x² का गुणांक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों x² का जो गुणांक है वो माइनस का 1 है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा गया सरल रेखा का वे भाग जिसका एक अंत बिंदु हो कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको किरण कहा जाता है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है दो वृत्त सदैव होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दो वृत्त सदैव क्या होते हैं, तो यहां से आप लोग नोट कर लेंगे, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, यहां पर दिया गया बेलन का आयतन होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहां से आप लोग लिख लें, πr² h होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा इसका क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ से आप लोग लिख लें, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों इसका क्षेत्रफल होगा 25√3
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग लिख रहे हैं ये इसका क्षेत्रफल होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिएगा प्यार विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा जरूर समझ लें और देख लें। टोटली आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। 90 डिग्री के माप वाला कोण, तो देखिएगा प्यार विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या आ जाएगा। इसकी जोड़ी आपको सी से मिलान कर लेनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ का मिलान आप लोग इससे कर लें। उसके बाद में तीसरा देखते हैं, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यार विद्यार्थी इसकी जोड़ का मिलान आप लोग कर लेंगे एप से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्णों के बीच का कोण, तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसकी जोड़ का मिलान आप लोग किससे कर लेंगे, ई से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वृत्त एक आकृति है, तो देखिएगा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा वृत्त एक कैसी आकृति है, तो इसकी जोड़ का मिलान आप लोग इससे कर लें। उसके बाद में छठा देखते हैं, तो इसकी जोड़ का मिलान आप लोग इससे कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में अगला देखते हैं, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन नंबर चार में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या होगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका एक उदाहरण होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है कोई भी द्विघात बहुपद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, किसी त्रिभुज में बहिष्कोण और अंतःकोणों में क्या संबंध होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर है, अर्थात प्रत्येक सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आएगा, यदि त्रिभुज का आधार एवं शीर्ष लंब दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1/2, उसके बाद में गुणा, और यहाँ पर आपको लिखना है आधार, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लगाना है गुणा, और उसके बाद में लिखना आपको यहाँ पर शीर्ष लंब, ये इसका सूत्र होता है शीर्ष लंब, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, यहाँ से लिख लें 4π r² ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, 2, 3, 4 का समांतर माध्य होगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिख लें, इसका समांतर माध्य 3 होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्य असत्य में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में x = 0x अक्ष का समीकरण है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा गया दूसरे नंबर का ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, x + y = 0 का एक हल x = 1 y - 1 है, तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपका सत्य होगा। इसके बाद में चौथा देखते हैं क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है, तो चौथे नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज जो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो क्षेत्रफल के बराबर होगा, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठा देखते हैं, तो छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या होगा, इसको भी आपको सत्य कर लेना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग सत्य असत्य को देख लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ और इसके बाद में फिर हम इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो टोटली आपका जो पेपर होगा कुछ इस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा नोट कर लें। ये क्वेश्चन 13 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, और ये 18 लिखा गया है, और ये 19 लिखा है, और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ये 20 लिखा है, ये 21 लिखा गया है, और इसके बाद में ये 23 लिखा है, 23 का वाला एक क्वेश्चन लिखा गया है। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का इसको पूरा नोट कर लें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, और आगे हम प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और इनके उत्तरों को देखते हैं।
तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका सेट सी का पूरा सॉल्यूशन। आप लोग यहाँ से इसको देख लें, ये प्रश्न क्रमांक एक के सभी उत्तर लिखे गए हैं। आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये आपके प्रश्न नंबर दो के उत्तर लिखे गए हैं, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर दो को भी अच्छे से नोट कर लेंगे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को इनके उत्तरों को नोट कर लेना है। और इसके बाद में ये प्रश्न नंबर तीन के उत्तर लिखे हैं, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर चार दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको लिख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर पाँच लिखा है जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य वगैरह को देख लें और अच्छे से नोट कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन लिखे गए हैं, प्रश्न नंबर छः के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये छः के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। ये इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सात का उत्तर ये लिखा गया है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर सात का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सात के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। और क्वेश्चन नंबर आठ का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आठ के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर नाइन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देखें और पूरा का पूरा नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर नाइन का पूरा उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर टेन का उत्तर, आप लोग देख लें यहाँ से। और ये टेन का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर इलेवन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें इसको और पूरा नोट कर लें। और इसके अलावा इलेवन के अथवा में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर तेरह का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर तेरह को अच्छे से देख लें और पूरा नोट कर लें। और तेरह के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौदह का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से देखें, ये क्वेश्चन नंबर चौदह का पूरा उत्तर लिखा है। उसके बाद में चौदह के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और क्वेश्चन नंबर पंद्रह का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इस जगह से पूरा देख लें और क्वेश्चन नंबर पंद्रह को पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे। तो पंद्रह के बाद में प्यारे विद्यार्थी पंद्रह के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। और क्वेश्चन नंबर सोलह का उत्तर ये लिखा गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें पूरा और नोट कर लें इस प्रकार से। तो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, इसको भी आप लोग नोट कर लें अच्छे से। और ये क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर लिखा गया है, प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों को देख लें, इसका अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर ये है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें अच्छे से। और ये 18 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें अच्छे से पूरा इस प्रकार से। और ये 19 वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें इस प्रकार से। और क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा में ये वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है, आप लोग यहाँ से नोट कर लें। और 22 का अथवा वाला प्रश्न ये लिखा गया है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लें और अच्छे से लिख लीजिएगा पूरा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 23 का पूरा उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें पूरा का पूरा इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और 23 के अथवा में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आप सभी को प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बता दिया है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट जरूर कर लें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।